हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 सेलिंग कार्स इन अक्टूबर 2020। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी ऐसी 10 कारें हैं जो अक्टूबर के महीने में सबसे ज़्यादा बिकी हैं। 10th पोजीशन पर आती है किया सोनेट। किया ने इसको 18 सितंबर 2020 को लॉन्च किया था। किया के द्वारा इसमें दो इंजन ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। एक है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि आपको 18.4 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज क्लेम करेगा। दूसरा है 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि आपको 24.1 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देगा। अक्टूबर के महीने में इसकी 11,721 यूनिट की सेल हुई है। 9th पोजीशन पर आती है विटारा ब्रेजा। कंपनी द्वारा इसमें सिर्फ आपको एक ही इंजन ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, वो है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 18.76 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देगा और मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको ये 17.03 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देगा। अगर हम इसकी सेल्स फिगर को देखें तो ये अक्टूबर के महीने में इसकी 12,087 यूनिट की सेल हुई है। सब 4 मीटर एसयूवी के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है ब्रेजा, और अगर आपको ये पसंद है तो ये काफ़ी अच्छी और बेहतरीन गाड़ी है। अगली गाड़ी है इको। इसको ज़्यादातर कमर्शियल व्हीकल के हिसाब से यूज़ किया जाता है। अक्टूबर के महीने में इसकी 13,309 यूनिट की सेल हुई है। इसमें कंपनी द्वारा सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, वह है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन। अगली जो गाड़ियाँ है वो है i10 नियोस। इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, एक है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और एक है 1.2 लीटर डीजल इंजन। अक्टूबर के महीने में इसकी 14,000 यूनिट की बिक्री हुई है। अगली गाड़ी है क्रेटा, एक एसयूवी कार जो आप सबको काफ़ी पसंद आएगी। कंपनी द्वारा इसमें दो इंजन ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, एक है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और एक है 1.5 लीटर डीजल इंजन। अक्टूबर के महीने में इसकी 14,023 यूनिट की बिक्री हुई है। काफ़ी अच्छी एसयूवी मानी जाती है क्रेटा जब से आई है। 5वें नंबर पे है डिज़ायर। कंपनी द्वारा इसमें सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, वो है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि आपको 23 की माइलेज क्लेम कर देता है। अक्टूबर के महीने में इसके 17,674 यूनिट की बिक्री हुई है। काफ़ी अच्छे सेडान मानी जाती है अपनी सेगमेंट में, ये लुक्स वाइज भी ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है। उसके बाद आती है अल्टो। कंपनी इसमें इंजन ऑप्शन जो प्रोवाइड कराती है वो है 0.8 लीटर पेट्रोल इंजन और 1 लीटर पेट्रोल इंजन जहाँ जो कि आपको क्लेम कर देता है 22 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, और अक्टूबर के महीने में इसकी 17,851 यूनिट की बिक्री हुई है। नेक्स्ट कार जो है वैगनर। इसमें भी आपको इंजन ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं 1 लीटर पेट्रोल इंजन जिसमें आपको सीएनजी एससीएनजी जो कि मारुति की तरफ से है प्रोवाइड की जाती है सीएनजी कंपनी फिटेड, दूसरी है पेट्रोल इंजन। पेट्रोल सीएनजी में आपको लगभग 30 किलोमीटर पर लीटर की और पेट्रोल में 21 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज प्रोवाइड करेगा। अक्टूबर के महीने में इसकी 18,700 यूनिट बिकी हैं। काफ़ी शानदार कार मानी जाती है ये भी अपनी सेगमेंट में और लगभग टॉप 10 की लिस्ट में आती है। सेकंड है बलेनो, आप सबकी चहिता गाड़ी बलेनो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आने वाली जो कि आपको क्लेम करती है 1.2 लीटर के इंजन के साथ 21 की माइलेज, और अक्टूबर के महीने में इसकी 21,971 यूनिट की बिक्री हुई है जो कि काफ़ी अच्छी बात है मारुति के लिए। लगभग टॉप 10 की लिस्ट में ज़्यादातर मारुति की गाड़ियाँ होती हैं। 1st नंबर पे सबसे मोस्ट सेलिंग हैचबैक, जिसको ये अवार्ड भी मिला हुआ है मोस्ट सेलिंग हैचबैक का, सेफ्टी वाइज नहीं लेकिन लुक्स वाइज और टॉप सेलिंग कार्स में आने के लिए सबसे आगे है। अक्टूबर के महीने में इसकी 24,859 यूनिट की बिक्री हुई है। इसमें भी 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपको 22 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज प्रोवाइड कर देता है। अगर मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन आप सबको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आगे इस तरह की वीडियो पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।